गुड मॉर्निंग मैडम। मुड़ेगा क्या बात है मैडम, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं आज। मिसेस आर्जन, गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। मुझे पता है मैडम, किसको नहीं पता ये बात। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? इसमें सोचना क्या है मैडम, जिन लोगों ने ब्लैक मनी दबा के रखी है उन सारे चोरों की पीपनी बच जाएगी। मिस्टर सार्जेंट, माइंड योर लैंग्वेज, आप इनडायरेक्टली मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैडम आप इनडायरेक्टली कह रही हैं कि आपके पास ब्लैक मनी है? मैं सोचता था मैडम के पास सब वाइट है। इट्स नॉट मी मिस्टर सार्जेंट, आई एम क्लियर। पापा के पास ब्लैक मनी है मिस्टर सार्जन। आई डोंट नो, मैंने पापा से कहा कि जस्ट बर्न इट ऑल, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। कह रहे ब्लैक मनी है तो क्या हुआ, मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई, और मैं इसे बर्न नहीं करने वाला, मैं इसे जाके बैंक में डिपॉजिट करने वाला हूं मिस्टर सार्जन। एंड इफ ही डस दैट, मेरे पापा को जेल हो सकती है। सुनकर खुशी हुई मैडम। व्हाट? आई मीन आपका अकाउंट एकदम क्लियर है, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई मैडम। और छेदी का टेंशन मत लीजिए मैडम, छेदी जैसा कमीना आदमी जेल में भी तफरी के तरीके निकाल लेता है, उसको छोड़िए आप। मिसेस आर्जन, वो मेरे पापा हैं और मैं उन्हें जेल में नहीं जाने दूंगी। और मेरे पापा मेरे दिल के बहुत करीब है मिस्टर सार्जन, जैसे आप हैं। और मेरे इतने करीब होकर आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैं करूंगा मैडम, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा मैडम। आप कहेंगे ना पहाड़ को चीर के दूध की नदी निकालने को, तो मैं निकाल दूंगा मैडम। मुझे डेयरी नहीं खोलनी है मिस्टर साजन, जो आप दूध की नदियां बहा देंगे। आपके सिर्फ ब्लैक मनी आपको ठिकाने लगाना है, दैट्स अबाउट इट। मैडम आप छेदी को समझाइए कि बुढ़ापे के जितने बचे कुछ दिन बचे हैं उसके, वो चैन से जी ले और दूसरों को भी जीने दे। इतने पैसे इकट्ठे करने से कुछ नहीं होने वाला है मैडम, और वैसे भी यमराज जी रिश्वत नहीं लेते, और वो नोट तो रिश्वत में भी नहीं चलेंगे। अरे वो कागज गिर गया आपका। कागज नहीं है, नोट है। कल रात को 12 बजे तक था। You're an insensitive man. मैडम आप छेदी से कहिए ना कि उस ब्लैक मनी को। What's wrong with you, Mr. Sajan? दीवारों के भी कान होते हैं। मैडम ये तो लिफ्ट है ना, लिफ्ट में दीवार कहाँ होती है? Look around. Please. साजन मेरी मदद कर दीजिए, अगर आपने सिर्फ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll seriously kill myself now. आप मेरी मदद कर देंगे ना? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। कितना माल है? 1000? लाख? नो वरीज मैडम, आप अब इस 2 लाख की टेंशन मत लीजिए, आप मेरी हुई। आपकी टेंशन मेरी हुई। मैंने पापा के पैसे यहाँ छुपा के रखे हैं, पौधों में अंदर। सी यू कैन फाइंड देम, देखिए मिल रहे हैं, झुक के देखिए ना मिस्टर साजन, यू विल फाइंड देम। जल्दी निकालिए, मैं देखती हूँ तब तक तो कोई आ तो नहीं रहा, किसी ने देखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिले पैसे आपको? इट्स डीप इनसाइड। What happened, madam? It was too tempting, Mr. Sajan. मुझसे रहा नहीं गया। Don't look at me like that, Mr. Sajan. It's a stress buster. It is. Trust me. ये मैं नहीं मान सकता, madam. Oh, come on, Mr. Sajan. क्या आपने कभी ये किया नहीं? Just do it. Try it.
You like it? Not on me, Mr. Sajjan. किसी और को मारिए, खुद को मारिए. Just do it. खबरदार, Mr. Sajjan. Don't even think it on me. मैडम जी, यस मिस्टर भूपेश, व्हाट इज इट? मैडम जी, वो बंदर छाप यूरिया की फाइल. ए बंदर, चल मैडम बिजी है, फाइल टेबल पे रख और चलता पुर्जा बोले. चल मैडम बाद में पढ़ लेंगे. बावली पूछ, तू भी रेडी होले? जी जी तन्ना घर पे देख लेगी. बिल्कुल नहीं चूसू. या अब आप इन रुपयों की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैडम. थैंक यू सो मच मिस्टर साजन. यू नो एवरी टाइम जब मैं टेंशन में आई हूँ, प्रॉब्लम में आई हूँ, एक आप ही हैं इस ऑफिस में जो हमेशा मेरी मदद करते. यू नो आई कैन काउंट ऑन यू. आप बिल्कुल मेरे अपने जैसे हैं. यू नो सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट मैन. आप भी कमाल करती हैं मैडम. एक पल को तो अपना कहती हैं और अगले ही पल में थैंक यू बोल के पराया कर देती हैं. ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती. लेकिन मेरा थैंक यू बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा मिस्टर साजन. ये मुझे अच्छा लगा मैडम, मैं भी करना चाहूंगा. मिस्टर साजन, मैं बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए इनोसेंट सा फेस बना के प्रैक्टिस कर रहा था मैडम. क्योंकि कल मैं ऐसे बैंक में इनोसेंट फेस बना के जाऊंगा ना पैसे जमा कराने, तो बोलेंगे मासूम सा आदमी है, चलो भाई इसका डिपॉजिट कर लो. मिस्टर साजन, ऐसी शक्ल बना के आप बिल्कुल मासूम नहीं लग रहे. फिर छिछोरे लग रहे हैं. मिस्टर साजन, यू श्योर ये आपसे हो पाएगा? आप बैंक में डिपॉजिट कर पाएंगे पैसे? श्योर मैडम, मैं कर दूंगा. मैं रोज बैंक के धक्के खाऊंगा लेकिन मैं कर दूंगा. और अगर आप बैंक के रोज धक्के खाएंगे तो ये ऑफिस का काम कौन करेगा मिस्टर साजन? मैं करूंगा मैडम. तो जाइए काम कीजिए मिस्टर साजन, पैसे डिपॉजिट कीजिए यहाँ पे, ऑफिस का काम कीजिए. डोंट वेस्ट माय टाइम, गो. चलो ये पैसे भी निपट गए. संजू तुम आ गए? ये लो पानी पी लो. अरे सोफे, कह दे रहे मेरे दामाद से कि ये खड़े खड़े थक जाएंगे, इसलिए तुझ पे अपने तशरीफ टिका दे. टिकाओ टिकाओ. क्या बात है बेबी, आज कुछ स्पेशल दिन है क्या? हैं? जो तुम और ये मोटा भीम मुझ पे इतने मेहरबान हो रहे हैं. मुझे मोटा भीम बोल रहे हैं. कितने अच्छे हैं दामाद जी. संजू, तुम हो ही इतने स्पेशल. हम सबका कितना ख्याल रखते हो, कितना प्यार करते हो हम सबसे. प्यार तो नवाब साहब किया करते थे. अच्छा संजू, मैंने तुम्हारे लिए पिस्ते का हलवा बनाया है, खाओ. वाह, क्या बात है यार, वाह मजा आ गया यार, मैं भी कमाल कर दिया यार. अरे कश्मीरा, कहते ने मेरे दामाद से कि असली मजा तो इन्हें ये केसर वाली ठंडाई पीने पे आएगा. याद है बेबी, ये केसर वाली ठंडाई तुमने मुझे सुहागरात वाली रात को पिलाई थी. याद है ना,
और ये ठंडाई पी के तुम ठंडे पड़ गए थे और सो गए थे। फिलहाल ही गरम हलवा खाओ। कुछ काम है क्या मुझसे? हाँ छोटा सा काम है, मम्मी बताओ ना। अरे कश्मीरा बता मेरे दामाद को कि मैंने है ना कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं जो मैंने नाच गा के बचा बचा के 2-2 रुपए जमा किए हैं तो उन्हें बैंक में डालने हैं। जमा करा दोगे ना संजू? हाँ वही करा दूंगा यार, सब लाइन में लगे हैं तो हम भी लग जाएंगे। ला दे तो पर्स में रख लेता हूँ, कल करा दूंगा जमा। हाँ। ये पर्स में कहाँ से आएंगे? ये कितने हैं? 2 लाख के बेबी, सिर्फ 500-1000 की नोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कश्मीरा? ये पैसे मैं बैंक में जमा कराने जाऊंगा ना तो पुलिस मुझे जेल में जमा कर देगी। अरे कश्मीरा कह दे रहे मेरे दामाद से कि अगर इसने मेरे पैसे वाइट नहीं किए तो मैं पंखे से लटक जाऊंगी। हाँ तो हमारे घर का पंखा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो इतने पैसे दबा के बैठी हो, 1 रुपया इस घर में खर्च नहीं करती हो। जाओ रिक्शा पकड़ के जाओ, किसी पार्क में जाके पेड़ से लटक जाओ। संजू! अरे क्या संजू यार, क्या संजू है? कल तक तो बिल्कुल देशभक्ति के नारे लग रहे थे, उमड़ रही थी देशभक्ति, अभी कहाँ गई सारी देशभक्ति? अरे जीजा क्यों हो गया यार, कैसे तू पजामे से बाहर हो रहा? बिल्कुल नहीं चूसू। देखना बाबू, मम्मी ने जैसे तैसे करके 2 लाख इकट्ठे किए, बोल रही बैंक में जमा कर दो, तो जीजा भड़क रहे। हाँ तो भड़कूंगा नहीं तो क्या करूंगा मैं, ये टैक्स की चोरी है, ना मैं करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा, समझ गई ना? अरे मेरे यार जीजा, तू भी खामखा घबरा रहा, कैसे तेरी आवाज ही निकल रही है? ला जो कागज का पैकेट मैं रख दूं बैग में। ए, ओए, ओए। अरे रुक जा जीजा यार। ओए जीजा, यो के यो किसका बैग से? मैडम 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 का है। मैडम का बावली पूछ, फिर तू क्यों ले आया? साफ साफ बता उसमें क्या है? पेपर से इसमें। जालिम देख ले, कहीं उसमें नोट तो ना भर रहे। वैसे भी ना हर आदमी आजकल एक ही ताल में लग रहा, काले धन को सफेद करने में। या, मैडम के पास कहां से काला धन आएगा यार बेबी? काला धन तेरी माँ के पास है, ये देख गड्डियां देख। रख दो, कल करवा दूंगा बैंक में जमा, मैं जान मत खाओ मेरी अब। हट, यो पागल हो गया जीजा। तू चल यार। और मेरे चीते, कहा था तुम्हें? तेरे लिए मिठाई लेने गया था। है काला कुत्ता यार, विश्वास नहीं यार खिलौने यार, तू कुत्ते की तरह कुत्ते को सूंघ रहा है यार। मैं तेरी तरह नकली दवाइयां थोड़ी ना बेचता हूँ यार। अबे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे चेक कर रहा था यार। अच्छा एक बात बता, क्या खास है आज? तू खास है? तू मेरा भाई है यार, मेरी जान है तू खिलौनी। अच्छा यार खिलौनी, तू हर दुख में हर तकलीफ में यार मेरी रक्षा करता है यार तू। मैं लड़की नहीं हूँ यार, फिर भी मेरा मन कर रहा है आज कि मैं तुझे राखी बांध दूँ यार। मना मत करना। अरे साजन क्या तू भी। साजन काश अगर तू लड़की होता ना तो मैं तेरे लिए अपने जैसा हीरा लड़का ढूंढता। अच्छा वो मैं लड़की नहीं हूँ, फिर हम ऐसे साथ बैठ के थोड़े ना पी पाते यार खिलौने। ये भी सही यार, फिर जयवीरू वाली पक्की दोस्ती भी नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई तू खाली एक बार बोल, फिर देख तेरा जय क्या करता है। सांभर को ना सांभर बना सकता है और गब्बर को भसूड़ी के खेत में बो सकता है। जय मेरे भाई, इस सब की जगह क्या तू ये 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल के वाइट कर सकता है? कमीने, मैं किसी की जान ले सकता हूँ, अपनी जान दे नहीं सकता। और वैसे भी यार मैं काला धन का ना सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे काली चीजों से ना नफरत है यार। तो आईना देख ले, प्यार हो जाएगा। खिलौनी मेरे भाई, अगर तूने ये काला पैसा अपने अकाउंट में डाल के वाइट नहीं करवाया ना तो मैं जाके भाभी को तेरी सारी काली करतूतें बता दूंगा, ठीक है? यार ये बात को भी प्यार से बोल रहे हैं यार, ये बात पहले ही बोलते थे तो मैं कर देता ना मेरे भाई। पहले मैं तुझे भाले भोंक के बोल रहा था।
चलिए बॉटल भी उठा, घर जाके पीना। यार सुनो, पार्सल भेज देना यार। टेंशन खत्म। कितना हल्का लग रहा है यार। ओफो यार, ज्यादा चढ़ गई एक ही पैक में यार। मैडम दिख रही। It is me, Mr. Sajan. आप यहाँ इतनी रात को? Actually, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको मिलूं और कुछ ऐसे दूं कि आपके होश उड़ जाएं। ऐसा क्या देने वाली है मैडम आप? बहुत लगता है, मिस्टर साजन अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली। ये क्या है मैडम? मिस्टर साजन, ये 2 लाख रुपए हैं जो पापा ने फ्लश टैंक में छुपा के रखे थे। मिस्टर साजन, आई डोंट हैव अ चॉइस, प्लीज इसे वाइट करवा दीजिए, प्लीज जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। नहीं नहीं मैडम, मेरे दोस्त खत्म हो गए, मेरे रिश्तेदार खत्म हो गए मैडम, लेकिन ये छेदी कमीने का काला धन खत्म नहीं हो रहा मैडम। मिस्टर साजन, बिहेव योर लैंग्वेज, व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज माय पापा। मैडम आपके पापा की वजह से मैं अपने होने वाले बच्चों का पापा नहीं बन पाऊंगा मैडम, ये छेदी मुझे लंबा ना पुवाएगा। सॉरी मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप भी कोई दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए। मैडम मेरी क्या गलती है, ये काला धन तो छेदी का है ना, फिर आप मुझे क्यों जॉब से निकाल रही हैं? क्योंकि मैं अपने ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉई नहीं चाहती जो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस देख के वहां से भाग जाए। आई वांट समवन हु वुड फेस इट। मिस्टर साजन, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। रुक रुक जाइए मैडम, मैं ये चैलेंज से नहीं भागूंगा, भले पुलिस से भागना पड़े। लाइए ये पैसे, मैं बैंक में जाके जमा करवा दूंगा, आप जाकर आराम कीजिए मैडम। आई विल, नाउ आई विल, थैंक यू सो मच मिस्टर साजन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। काय की गुड नाइट यार, जब नींद ही नहीं आएगी तो काय की स्वीट ड्रीम, काय के सपने यार। अभी तो ढंग से सिर मुंडवाया भी नहीं यार मैडम, फिर से ओले बरसा के चली गई, क्या करूँगा इन 2 लाख रुपयों का यार, भगवान तू कोई रास्ता बता। सही छुटकू, सही शिकार पकड़ा है। भगवान ने मेरी सुन ली यार, ये मुझे लूट लेगा और मैं आराम से यहाँ से फूट लूंगा। भाई साहब, ये सब करने की क्या जरूरत है, मेरे पास 2 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ ना। बावला समझा है क्या? अरे हम तुमसे पैसा लेने के लिए नहीं, अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए पकड़ा यार। ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए? ले ले 2.5 लाख रुपए, इसे अपने अकाउंट में डाल के व्हाइट कर दे। लेकिन मैं, अबे हुड़क चिल्लू, ज्यादा चूचपाट किया ना, तेरे लिए व्हाइट कफन का इंतजाम कर देंगे, समझा? तू कहां रहता, किसके साथ रहता, सब पता है मुझे। तुम हमारे अमाउंट को व्हाइट करके देना, समझा? वरना क्या हा? चलो छुड़को आओ यार, क्या दिन आ गए यार, ये चोर लुटेरे पैसा दे दे के जा रहे उल्टा यार। अरे कहां करूंगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पहले कहीं 2 पड़ा है, कितने 2.5 दे गया, 4.5, 2 घर पे पड़ा हुआ है यार, 6.5 लाख। अबे मैडम मैडम मैडम, दे आई कमिंग।